हमारे लिए अच्छी खबर हरियाणा से भी आएगी, हमारे लिए अच्छी खबर जम्मू कश्मीर से भी आएगी। हमारा वोट शेयर काफी आगे है बीजेपी से। हम लोगों ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, किसानों, जवानों, पहलवानों, युवाओं के मुद्दों पर चुनाव लड़ा है और ये इलेक्शन जरूर पलटने का भी 12 बजे तक का इंतजार करते हैं ऐसा मेरा, क्योंकि हमारे लिए अच्छी खबर हरियाणा से भी आएगी, हमारे लिए अच्छी खबर जम्मू कश्मीर से भी आ रही है। मेरा अपना मानना है कि जैसे बिहार में एक बार हुआ था 12 बजे सबने इलेक्शन कॉल आउट कर दिया था और फिर तस्वीर पलट गई थी, वही हरियाणा में होगा। बड़ी देर से मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रही हूँ जिसको अब अधिकांश चैनल दिखा रहे हैं, वहां पर डेटा भी चेंज नहीं हो रहा है। हमारा वोट शेयर काफी आगे है बीजेपी से और ये सीटों में जरूर तब्दील होगा। जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं वो 3 या 4 राउंड एवरेज हुए अभी और उसके उसमें हम आगे हैं। मैम लेकिन कई सीट ऐसी हैं जहां पर आप 10-10, 15-15 हजार के मार्जिन से पीछे हैं, तो उनको कैसे कोप अप करेंगे आप लोग? और कई सीटें ऐसी हैं जिसमें हम बहुत आगे भी हैं। तो मेरा अपना मानना है कि ये तस्वीर बदलेगी और तस्वीर इसलिए बदलेगी क्योंकि हम लोगों ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, किसानों, जवानों, पहलवानों और युवाओं के मुद्दों पर चुनाव लड़ा है और ये इलेक्शन जरूर पलटेगा भी। अब 12 बजे तक का इंतजार करिए ऐसा मेरा मानना है। मुझे लगता है हमें उम्मीद इससे और भी प्रचंड बहुमत की थी, बहुमत की सरकार हमारी बनेगी, मुझे इसमें कोई भी संशय नहीं है। बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है, बीजेपी हेडक्वार्टर पर तो परिंदा नहीं फड़क रहा था और अब वहां पे पहुंच रहे हैं लोग। तो मेरा अपना मानना है उनका डिसीजन कि वो टीवी पैनल पर भी नहीं आ रहे थे, अब आने की शायद सोच रहे हैं। ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हुआ है और दोनों जगह कांग्रेस की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर की मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, आप इस देश के किसी भी राज्य की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, आप इस देश के किसी भी राज्य को घटाकर यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकते हैं। जम्मू कश्मीर को ये काबिले बर्दाश्त नहीं था। बीजेपी ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू में भी हार रही है और ये एक बहुत बड़ा संदेश जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया है।